सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। जिला सहकारी बैंक के बैंक प्रबंधक समिति के संचालक के चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार का दबदबा कायम रहा। अब तक घोषित परिणामों में 13 भाजपा समर्थित प्रत्याशी विजय रहे, जबकि कुल 14 उम्मीदवार बैंक प्रबंधक समिति के लिए चुनाव हुआ, जिसमें 6 प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हुए, जिसमें भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद शंकर दुबे, गढ़वार ब्लॉक से कमलेश कुमार सिंह, पूर्व चेयरमैन जिला सहकारी बैंक से बासडी से बेलहरी से उदय प्रताप पासवान, रेवती ब्लॉक से पूर्व उपाध्यक्ष रही शकुंतला, पत्नी अशोक पाठक, खंड क्षेत्र। हम निर्विरोध टाइप का हुए हैं, मैंने 12 मत पड़ा है, 12वां मत मुझे ही मिला। क्या बात, तो किस पद के लिए था? हम संचालक पद के थे, बैंक डायरेक्टर पद के। कितने वोट पाए आपने? 12 मत पड़ा था, 12वां मत मुझे ही मिला। 12वां। सभी दलों ने मुझे चेयरमैन का प्रत्याशी बनाया है। क्या बात। और आइए भाई यादव जी, आइए एक बार। सभी दलों ने चेयरमैन का प्रत्याशी बनाया है और मैं अपने डायरेक्टरों को बधाई देता हूँ कि राजनीति में लोग केवल नीति की बात करते हैं और राज की बात अंदर रखते हैं, उसी को लोग राजनीति कहते हैं, लेकिन मेरे जैसा एक सामाजिक कार्यकर्ता राजनीति में नीति की बात नहीं करता। मैं जो कहता हूँ उसको करता हूँ, जिसको जो करने लायक होता है उसको मैं करता भी हूँ। लेकिन आज के वर्तमान परिवेश में जिस तरह से हमारे दल के लोगों ने तथा विभिन्न दलों के लोगों ने जो विश्वास जताया है, मैं पूरी पार्टी की तरफ से सभी दल के कार्यकर्ताओं को आदर से सम्मान करता हूं और बधाई देता हूं। सर, आपने कितने वोट पाए? विपक्ष के पास कितने वोट बताएंगे? भाई विपक्ष तो कहीं है ही नहीं है, केवल एक सीट वो पाए हैं, अभी गणना चल रही है और वो भी धोखे से और पैसे के प्रभाव से। केवल एक हमको लगता है कि एक सीट ले गए हैं और पैसे के लालच से, और नहीं तो वह कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। और उनका जो काम करने का तरीका था, सभी दलों के लोग, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के लोग भी काफ़ी मरमाहत थे। देखिए, चेयरमैन का ऑपरेटर का मतलब ये है कि सभी दल के लोगों को लेके चलना, और 10 साल से जिस तरह से बैंक को इन्होंने बेचने का काम किया है, तो आप बैंक की भवन से आप देख सकते हैं किस तरह से भवन जर्जर है, किस तरह से यहाँ की व्यवस्था है। मैं उससे काफ़ी दुखी होकर के और कार्यकर्ताओं की प्रेरणा से, अन्य दलों के लोगों की प्रेरणा से, क्योंकि 3 पूर्व चेयरमैन मेरे साथ हैं, उन लोगों ने कहा कि दुबे जी आप ही चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो मैं तो विधानसभा की तैयारी कर रहा था बांटी से, लेकिन कार्यकर्ताओं ने अन्य दल के नेताओं ने मुझे लड़ने पर मजबूर किया कि आप ही लड़ सकते हैं और इस युद्ध को आप ही जीत सकते हैं। दुबे जी, आप काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी मजे हुए के प्रतिद्वंदी को आपने हराया है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो कहिए किस तरह से ये संभव हो पाया, क्योंकि वो काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं और सहकारिता के क्षेत्र तो काफ़ी। देखिए, मैं मानता हूँ कि मेरे सहकारिता मंत्री ने कहा था कि अगर बलिया भाजपा जीत जाएगी तो हमको लगता है कि ये पूरा प्रदेश हम जीत जाएंगे, और इसलिए हमारे सभी सांसदों ने, हमारे सभी विधायकों ने, हमारे सभी संगठन के कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मत का, हमको लगता है कि प्रदेश का पहला इतिहास है कि सर्वसम्मत का प्रस्ताव गया, किसी संगठन ने या किसी कार्यकर्ता ने मेरा विरोध नहीं किया। और मैं कह सकता हूं कि हमारे 3 पूर्व चेयरमैन जो कांग्रेस के चेयरमैन हैं, चाहे अन्य दोनों समाजवादी पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हमें भरपूर समर्थन देने का काम किया। हमको लगता है कि हमसे ज़्यादा लड़ाई अन्य दलों के लोगों ने लड़ा और मेरे पक्ष में लड़ा, इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि बलिया का यह सहकारी बैंक बच गया, नहीं तो यह लूटा जा रहा था और लोग लूटने का प्रयास कर रहे थे। यहां तक कि जो लोग पैसा जमा किए हैं बैंकों में, उसको भी उन खातेदारों का पैसा नहीं मिल रहा। अच्छा, ये बताइए कितने अंतर